अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ख्वाजा मोहम्मद जैन फ्रॉम जी रियल एस्टेट। आज हम बात करेंगे स्कीम 33 की एक सोसाइटी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आज की सोसाइटी का नाम है न्यू रियारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसको हम बोलते हैं गुलशन इस्माइल भी। और हम तीन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट होगा सराउंडिंग, सेकंड होगा रूट और थर्ड होगा मैप एंड फैसिलिटीज़ के बारे में। ये तीन पॉइंट्स तो मेन है, इसके अलावा भी हम बात करेंगे लीज़ और रेटों के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आए चलते हैं सराउंडिंग देखते हैं क्या है इसकी। स्कीम 33 के अंदर सेक्टर नंबर 15A सेक्टर है, उसके अंदर है ये न्यू लियारी सोसाइटी। इसके अगर सराउंडिंग देखें तो ऊपर की तरफ सदफ है, नीचे की तरफ मेमन नगर है, और यहाँ पे जो है ना ये शाह रेजिडेंसी का वो बने हुए फ्लैट्स बने हुए हैं। ये मलिक सोसाइटी है। और अगर पीछे देखें तो पीछे 100 फीट का रोड है, उसके बाद जो ये प्राइवेट लैंड है। अब चलते हैं हम रूट की तरफ। अभी बात करते हैं हम, अगर आप हाईवे से आते हैं, सराबोर्ड से आते हैं जो कट है उससे, हाईवे से आते हैं अब्बुल हसनी रोड से, या फिर मस्कन चुरंगी से आते हैं आप। ये मस्कन चुरंगी वाला भी, मस्कन चुरंगी से भी आ सकते हैं और हाईवे से भी आ सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं अब्दुल हाईवे से आ रहे हैं तो आपको पैराडाइज बेकरी नज़र कोने पर आएगी, कोने पर आपको उल्टी आप टर्न करना पड़ेगा। और अगर आप गुलशन से आ रहे हैं तो आपको सीधी आर पर टर्न करना पड़ेगा पैराडाइज से, बेकरी से। इसी रोड पे बिल्कुल सीधा चले जाएंगे आप तो चुरंगी आएगी, जिसको हम बोलते हैं गुलजारे जी थाना और फारिया चौक भी बोलते हैं इसको। इसी रोड से और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको शाह रेजिडेंसी का फ्लैट नज़र आएंगे, बहुत लंबी बिल्डिंग है। उसके साथ ही रोड जा रहा है अंदर की तरफ, सही है। इसी रोड पर आप जिगजैग करके जाएंगे तो आपको अंदर की तरफ ये न्यू लियारी का सेक्टर है, ये न्यू लियारी है सोसाइटी। और अगर आप सफूरा से जाना चाहते हैं, सफूरा से आते हैं तो ये आप आते हैं, अब कराची यूनिवर्सिटी से आप जाते हैं सफूरा की तरफ, तो बीच में पड़ता है मौसमियात और सुपारको रोड। इस रोड पर अगर आप सीधा जाते हैं तो इसी रोड पर डॉ भी आती है, फिर सुपारको आता है, उसी रोड पे आप बिल्कुल सीधा निकल जाएँ, मद्रास चौक आएगी। मद्रास चौक के बाद जो कट आएगा ना उससे उल्टी आप टर्न करना है और सीधा आना है बिल्कुल आपको वही रास्ते, फिर वही फ्लैट आपको नज़र आएंगे, उसी फ्लैट के साथ आगे से यू टर्न करके वापसी आप फ्लैट के साथ ही अंदर जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम मैप एंड इसके बारे में। ये न्यू लियारी या गुलशन इस्माइल का मैप है, और अगर ये आपको डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में। तो वॉन्डियोवर सोसाइटी है, पानी बिजली गैस मौजूद है इसके अंदर। कैटेगरी इसके अंदर जो है वो 200 गज़ की है, 120 गज़ की है, 400 गज़ की भी है, इधर भी 120 गज़ के अंदर कमर्शियल भी हैं। 60 फिट का रोड, डिवाइडेड रोड है ये, और इसके अंदर रोडें हैं वो ज़्यादा 40 फिट की ही रोडें हैं सारी। और इसके अंदर तीन गेट हैं, एक गेट ये है जो कमर्शियल के साथ आ रहा है, एक गेट ये है मेमन नगर के साथ, और एक गेट ये कॉल भी है जो मेमन नगर और इसका डिवाइडेड रोड है, 60 फीट का रोड है, यहाँ से भी आप एंटर आ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको और भी सोसाइटीज़ की अगर वीडियो देखनी हो तो आई बटन पे क्लिक करें, जिससे आपको और भी सोसाइटीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अच्छा, इसके अंदर प्लॉट जो है बहुत शुरू में चंद प्लॉट लीज हुए थे, बट ये कि अभी ये प्लॉट जो है लोग अभी जो है सोसाइटी लीज नहीं दे रही है, सोसाइटी भी ने लीज बंद किया हुआ अभी ना किसी वजूहत से। तो हम रेट के बारे में बात करें तो रेट ये है कि आप मेरी वीडियो कब देखें मुझे नहीं पता, तो आप कमेंट करें या कॉल करके मुझसे इसके रेट जो भी होंगे अपडेट रेट मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा ये अपडेट रेट हैं इसके। और इसके अलावा भी आप, अच्छा ये इसमें घर बने हुए हैं बहुत सारे, अगर आप चाहे घर मिल भी जाएंगे या एज़ अ इन्वेस्टमेंट पर्पज भी आप प्लॉट ले सकते हैं। सराउंडिंग थोड़ी महंगी है, इसके रेट अभी थोड़े नीचे की तरफ हैं। तो ये है कि अगर आप कुछ बना लेके बनाना भी चाहें तो बना सकते हैं, अच्छी सोसाइटी है और ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग है और मेमन लोग ज़्यादा भाई हैं इसके अंदर। और
अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं सवाल। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।